दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल FS Tube में। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज लेकर आया हूं, तो आगे आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं पहली खबर की। तो पहली खबर आ रही है अमेजोन और फ्लिपकार्ट की एक्सक्लूसिव सेल को लेकर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जैसे कोई भी मोबाइल लॉन्च हुआ या कोई अदर प्रोडक्ट है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इन चीजों को यानी जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उनको उनके लॉन्च प्राइस से कम प्राइस में यानी सेल के तहत जो है आपको प्रोवाइड कराया जा रहा था, यानी लॉन्च प्राइस से कम प्राइस में वो आपको मिल रहे थे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को अभी बंद कर दिया है, अभी फिलहाल बंद नहीं किया है लेकिन 1 फरवरी से ये नियम जो है लागू हो जाएगा। यानी कोई भी प्रोडक्ट आपको जो भी लॉन्च जिस प्राइस पे लॉन्च होता है उसी प्राइस पे वो आपको मिलेगा, लॉन्च प्राइस से कम प्राइस में आपको सेल के अकॉर्डिंग या किसी भी तरह आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज पर रोक लगा दी है और बताया जा रहा है कि 26 जनवरी लास्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव सेल होगी, उसके बाद यानी 1 फरवरी से कोई भी प्रोडक्ट आपको जो है वो एक्सक्लूसिवली नहीं मिलेगा। दोस्तों जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है पतंजलि के किम्भो एप्लीकेशन को लेकर। तो ये जो किम्भो एप्लीकेशन है इसको सेम व्हाट्सएप की तरह ही डेवलप किया जा रहा था और मई महीने में इसको यानी लास्ट मई महीने में इसको लॉन्च किया गया था और उसके लॉन्च करने के कुछ दिन बाद ही इस एप्लीकेशन में बहुत सारी कमियां पाई गई, जैसे प्राइवेसी को लेकर या सिक्योरिटी को लेकर। तो इस एप्लीकेशन को गूगल ने प्ले स्टोर से जो है रिमूव कर दिया था। उसके बाद बताया जा रहा था कि इस एप्लीकेशन को अगस्त महीने में लॉन्च किया जाएगा लेकिन अगस्त महीने में भी इस एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं किया गया। उसके बाद डेट को जो है वो एक्सपेंड कर दिया गया, यानी डेट बढ़ा दी गई। उसके बाद बहुत सारी जो है खबरें सामने आने लगी कि अब लॉन्च होगा लेकिन इस एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं किया गया। और अब फाइनली पता चला है कि जो इसके CMD और MD हैं वो इस एप्लीकेशन को लेकर खुश नहीं है, यानी जो इसका डेवलप प्रोसेस है यानी जिस तरीके से एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है उस चीज को लेकर वो खुश नहीं है। तो अब फाइनली न्यूज ये आई है कि इस एप्लीकेशन को अब कभी भी लॉन्च नहीं किया जाएगा। इस एप्लीकेशन को जो है व्हाट्सएप की टक्कर पे जो है रिलीज किया जा रहा था पर अब इस एप्लीकेशन को जो है रोक दिया गया है, जो सारे इसके वर्क हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो इस एप्लीकेशन को अब कभी भी लॉन्च नहीं किया जाएगा। दोस्तों जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है पोको F2 को लेकर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो हाल ही में पोको F1 लॉन्च हुआ था, यानी एक दमदार स्पेसिफिकेशन और बहुत ही कम प्राइस में इस फोन को जो है लॉन्च किया गया था और बहुत अच्छा इस फोन का रिजल्ट रहा। तो अभी शाओमी पोको F2 की जो है तैयारी कर रहा है और लीक्स के अकॉर्डिंग पता चला है कि इस फोन में शायद से स्नैपड्रैगन 845 हो सकता है। और जैसा कि पोको F1 में स्नैपड्रैगन 845 में उसमें भी था तो उम्मीद की जा सकती है कि इसमें 855 भी हो सकता है। और बताया जा रहा है कि इस फोन में 6GB रैम और 8GB रैम यानी दो वेरिएंट के साथ इस फोन को लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों वेट करते हैं इसी पोको F2 का और क्या कुछ इसमें हमें पोको F1 से अलग देखने को मिलता है। दोस्तों जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है हुआवे के Y7 2019 मॉडल को लेकर। और बताया जा रहा है कि ये फोन जो है वो Y7 2018 मॉडल का अपग्रेड वर्जन हो सकता है और कुछ स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे सामने आई है। तो यहाँ पे आपको 6.26 इंच का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और जो इस अगर प्रोसेसर की बात करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रोसेसर बताया जा रहा है वो स्नैपड्रैगन 450 इसमें देखने को आपको मिल सकता है। और दो वेरिएंट में इस फोन को लॉन्च किया जा सकता है, एक 3GB रैम और 4GB रैम के साथ में। दोस्तों जो अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल रियर कैमरा देखने को इस फोन में मिल सकता है और बताया जा रहा है कि 4000 mAh की इस फोन में आपको बैटरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों अभी 2018 जो मॉडल था Y7 2018 मॉडल, ये उसका अपग्रेड वर्जन भी हो सकता है और एक न्यू वर्जन भी इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों अभी कोई फाइनल न्यूज इसके बारे में पता नहीं चली है, यानी कंपनी द्वारा अभी कोई अपडेट नहीं मिली है, ये लीक्स के अकॉर्डिंग आपको बता दिया गया है। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।